स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जो हम आज एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के नाम से, जो हमारे YouTube चैनल मिशन स्टडी पॉइंट पे आपको अवेलेबल होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग जितना सब्सक्राइब करेंगे और लाइक कमेंट करेंगे तो उतने हमें साहस मिलेगा काम करने के लिए, और आप लोगों को अधिक से अधिक करंट अफेयर की न्यूज़ पहुँचाने के लिए। आप पहला करंट अफेयर देखेंगे, कतर को द्वीप बनाने की परियोजना पर सऊदी सरकार काम करना शुरू कर दी है, जैसा कि इसमें मेंशन है। और आप देख रहे हैं सऊदी कतर बॉर्डर पे इन्होंने एक नहर खोदने की परियोजना पे काम कर रहे हैं। अगर ये परियोजना सफल हो जाती है तो कतर एक बस द्वीप देश बन के रह जाएगा। प्रधानमंत्री जो जी द्वारा आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश से किया गया है। ये योजना हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रही है। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस के जैसे काम करेगी। इसमें 10 करोड़ परिवार को लाभ पहुंचाने का अनुमान रखा गया है। काफ़ी अच्छी योजना है जो हेल्थ के क्षेत्र में एक रिवॉल्यूशन लेकर आएगी। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि आयुष्मान भारत योजना किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, जो एक हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, जैसा कि हम बता चुके हैं पहले ही। और इसका शुभारंभ और इसकी शुरुआत शुरुआत मध्य प्रदेश से किया गया है। और ये भी पूछ सकता है कि इसकी शुभारंभ कौन किया था, तो इसकी शुभारंभ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया था। अब हम अगली न्यूज़ देखेंगे। अगली न्यूज़ यह है कि जैन मुनि तरुण सागर जी का 51 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जो एक समाज के लिए काफ़ी क्षति का न्यूज है। जो अगली न्यूज भी एक समाज के क्षति के रूप में ही देखी जा सकती है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पंडित कुमार लाल मिश्र जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। एक प्रख्यात तबला वादक थे, ये घराने से ताल्लुक रखते थे। आप इसमें देख सकते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे। पूछ सकता है कि कुमार लाल मिश्र जी किस वादक यंत्र से ताल्लुक रखते थे, तो आप बता सकते हैं कि तबला वादक यंत्र से ताल्लुक रखते थे, या फिर इनके घराने के बारे में पूछ सकता है तो आप बता सकते हैं कि बनारस घराने से ताल्लुक रखते थे। उसके बाद हम देखेंगे प्रधानमंत्री जी द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुभारम्भ कर दिया गया है। जो हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुभारम्भ प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में किया था, जैसा कि हम न्यूज में देख सकते हैं। जैसे डाक टिकट आता था पोस्ट से ऑफिस से, वैसे ही अब बैंक की भी सुविधा वहाँ पे मिलेगी। ये काफ़ी एक अच्छी शुरुआत है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। और इसी अर्थव्यवस्था से ही रिलेटेड अगला हमारा करंट अफेयर्स है कि भारत ने पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 8.2% से वृद्धि की है, जो NDA सरकार या प्रधानमंत्री जी के सरकार में सबसे ज़्यादा क्या नाम है कि वृद्धि दर्ज करने वाली तिमाही रही है, जो काफ़ी एक अच्छी न्यूज है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और भारतीय जनता के लिए। अब हम देखेंगे कुछ अवार्ड से रिलेटेड। 2018 का रमन मैग्सेसे अवार्ड मनोचिकित्सक भारत वाटवानी और इनोवेटर सोनम वांगचुंग को मिला है। ये दोनों लोग भारतीय हैं। और रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबल अवार्ड कहा जाता है। काफ़ी प्रेस्टीज की बात होती है अगर ये अवार्ड किसी जिसको मिलता है, और ख़ास करके जब भारतीय को मिलता है तो हम भारतीयों को काफ़ी रोमांचित करता है। अब हम देखेंगे नाफ्टा काफ़ी न्यूज में है। ये एक नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो 1994 में बिल क्लिंटन सरकार ने साइन किया था। इसमें तीन देश शामिल हैं, कनाडा, USA और मैक्सिको। काफ़ी न्यूज़ में है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाफ्टा क्या है, नाफ्टा का फुल फॉर्म पूछ सकता है MCQ करके, फिर या पूछ सकता है कि नाफ्टा से रिलेटेड क्या है, तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ये भी पूछ सकता है कि नाफ्टा कब साइन किया गया था, तो ये 1994 में साइन किया गया था। वैसे तो ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, मगर अमेरिका के होने के कारण काफ़ी ये न्यूज़ में आ जाता है, और ये भारत जैसे देशों में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। और ये काफ़ी इस समय न्यूज़ में है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और इसमें तीन देश है, एक बार हम फिर से दोहराना चाहते हैं, इसमें तीन देश हैं, कनाडा है, USA है और मैक्सिको है।
अब हम बात करते हैं समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड भी काफ़ी न्यूज़ में है। अभी विधि आयोग या लॉ कमीशन ने इस पर कुछ रिपोर्ट दी है, उसको आप लोग पढ़िएगा। इसमें हम मेंशन तो नहीं कर सकते, काफ़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। हम इतना बता सकते हैं कि भारतीय संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 40 में किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें एक दो क्वेश्चन और बन सकता है जिसको हम बता देते हैं। हो सकता है कि समान नागरिक संहिता किस पार्ट में आते हैं, या फंडामेंटल राइट है कि DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, या फिर फंडामेंटल ड्यूटी है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और ये अनुच्छेद नंबर 40 में इसका जिक्र किया गया है और ये संविधान के चौथे पार्ट में इसका जिक्र है। अब देखते हैं कुछ पॉलिटिकल न्यूज। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व PM टर्नबुल का इस्तीफा। ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व PM थे टर्नबुल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से और वहाँ के नए प्रधानमंत्री होंगे स्कॉट मॉरिस। एशियन गेम्स 2018 का समापन जकार्ता में हुआ, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा है। इसमें भारत का भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, जैसा कि हम अगले वीडियो में आप मेंशन कर सकते हैं किए हैं। अगर उसको नहीं देखे हैं तो करंट अफेयर से रिलेटेड और एशियन गेम के करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद हम देखेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में हुआ। ये काफ़ी अच्छी न्यूज है। पूछ सकते हैं MCQ में कि हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो आप बता सकते हैं। एशियन गेम 2018 का समापन जकार्ता में हुआ, एशियन गेम 2018 का समापन जकार्ता में हुआ और भारतीय दल की ध्वजवाहक हॉकी महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने किया। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है एशियन गेम में भारत का। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश स्पेशल से कुछ न्यूज देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना एक जिला एक उत्पाद का उद्घाटन राष्ट्रपति जी द्वारा लखनऊ में किया गया। काफ़ी एक अच्छी योजना है जो उत्तर प्रदेश को काफ़ी आगे लेके जाएगी। तो आपसे MCQ में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक जिला एक उत्पाद किस राज्य की योजना है, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है। ये भी पूछ सकता है कि एक जिला एक उत्पाद का उद्घाटन कौन किया था, तो आप शुभारंभ कौन किया था, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि राष्ट्रपति जी द्वारा उद्घाटन किया गया था जो लखनऊ में हुआ था। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें।